अरे बच्चों, क्लास 11th विषय दर्शन शास्त्र। एक बच्चे ने बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रखा था कि दर्शन शास्त्र पर भी वीडियो बनाइए सर, तो दर्शन शास्त्र का मैंने बना लिया है। चैनल पर पहली बार होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में दर्शन शास्त्र के और भी नोट्स को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निरीक्षण तथा प्रयोग आगमन के द्रव्य विषयक आधार है या किसका कथन है? तो यह जो कथन है वो है कार्लवर्थ रीड का है, तो यहाँ पर पहला हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा चरण पूर्व कल्पना के लिए आवश्यक है? तो यह पूर्व कल्पना के लिए क्या आवश्यक है? तो निगमन, सत्यापन, निरीक्षण तीनों है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा है, हर्शल ने दार्शनिक विधि के कितने नियम बनाए थे? तो इसने 9 नियम बनाए थे। कितने? 9 नियम। तो यहाँ पर तीसरा का डी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, तुलना या सादृश्य के आधार पर प्राप्त ज्ञान क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका उपमान। तो यहाँ चौथा का बी हो जाएगा। पाँचवा है आपका, प्रत्यक्ष का ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अनुमान। निमन आकारिक का संबंध रहता है, तो इसका संबंध किससे रहता है? सत्यता से। तो यहाँ छठा का ए हो जाएगा। सातवां है, कोई भाषा अभिव्यक्त होने से पहले निर्णय के रूप में कहाँ रहते हैं? तो वे रहते हैं मस्तिष्क में। तो सातवां का बी हो जाएगा। आठवां है आपका, युक्तियों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो युक्तियों का निर्माण वाक्यों द्वारा होता है, यहाँ आठवां का डी हो जाएगा। नौवां है, तर्क वाक निर्मित होते हैं, तो तर्क वाक पद से निर्मित होते हैं, तो नौवां का आपका हो जाएगा बी। दसवां है, किसी न्याय में ए निष्कर्ष का आकार होता है, तो वो क्या होता है? प्रथम होता है। दसवां का ए हो जाएगा। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी न्याय में दोनों आधार वाक निषेधात्मक हो तो निष्कर्ष होगा, तो निष्कर्ष आपका जो होगा वो क्या होगा? पूर्ववर्ती निषेधात्मक अंशव्यापी, यहाँ पर निषेधात्मक होना चाहिए, तो 11 का आपका बी हो जाएगा। 12 है, मध्यवर्ती पद का स्थान न्याय के किन वाक्यों में होता है? तो ये आपका होता है बृहत एवं लघु आधार वाक्य। 13 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक की तरह प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र की अपनी एक तकनीकी भाषा होती है जिसे कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कृत्रिम भाषा, यहाँ ए हो जाएगा। 14 है, प्रतीकात्मकता तर्कशास्त्र कैसा तर्कशास्त्र है? तो वो है आपका निगमनात्मक, ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, बौद्ध तर्कशास्त्र के अनुसार अनुमान क्या है? तो अनुमान आपका है अनुमानात्मक निर्णय, यहाँ 15 का ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, अप्रत्यक्ष अनुमानात्मक निर्णय में कितने पद होते हैं? तो यहाँ पर 3 पद होते हैं, आपका 16 का बी हो जाएगा। 17 नंबर है, वैज्ञानिक पद्धति किस पर आधारित एवं बौद्धिक तार्किक पद्धति है? तो यहाँ हो जाएगा अनुभव, 17 का ए हो जाएगा। 18 है, व्याख्या, भविष्यवाणी तथा सत्यापन की क्रिया तीनों के मध्य कोई बड़ा भेद नहीं है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर यह कथन आपका पॉपर का है, यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे व्यक्तियों को पाना आसान नहीं है जो पूरे न्याय के साथ अपने व्यक्तिगत सिद्धांतों के पक्ष तथा विपक्ष में तथ्य संग्रह कर सके, यह कथन किसका है? तो यह कथन जे वोन्स का है, यहाँ 19 का ए हो जाएगा। 20 है, प्रयोग के प्रकार है, तो प्रयोग के क्या प्रकार? भावात्मक प्रयोग, अभावात्मक प्रयोग, प्राकृतिक प्रयोग, तीनों है, इसलिए डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसके माध्यम से कोई पूर्व कल्पना वैज्ञानिक सिद्धांत का निर्माण करती है? तो यहाँ हो जाएगा सत्यापन, 21 का आपका हो जाएगा सी। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस दर्शन के अनुसार चेतना का आत्मा से कोई संबंध नहीं है? तो यहाँ किसना होगा?
चार्वक हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑप्शन। 23 है, कौन सा दर्शन ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है, तो वहाँ हो जाएगा मीमांसा। मीमांसा क्या है, ये ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करता है। 24 है आपका, बौद्ध न्याय किस प्रमाण का प्रतिपादन नहीं करता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका उपमान का। 25 नंबर है, किसी प्रकथन की सत्यता असत्यता का सत्यापन मूल निर्धारित होता है, तो वो हो जाएगा प्रकथन के सत्य असत्य पर। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र पारंपरिक तर्कशास्त्र को प्रदान करता है, तो यहाँ हो जाएगा संशोधित विकसित तथा वैज्ञानिक रूप, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। 27 नंबर कह रहा है, द्विविधा का बृहत दो वाक्यों का योग होता है, तो वो होता है आपका हेतवाश्रित, बी ऑप्शन हो जाएगा हेतवाश्रित। फिर है, क्लाइंट किस आकार का योग है, तो ये हो जाएगा प्रथम आकार। 28 का ए हो जाएगा। 29 है, तर्क वर्ग का संयोजन होता है, तो यहाँ हो जाएगा वर्तमान काल में। 30 है आपका, पूर्वव्यापी तर्क वाक्यों के प्रतीक चिन्ह है, तो ये प्रतीक चिन्ह है ए ई। 30 का आपका बी हो जाएगा। 31 है, जब पदों की गुणवाचकता बढ़ती है तो क्या होता है, वस्तुवाचकता घटती है। 32 है, वैधता तथा अवैधता विशेषताएं हैं, तो यहाँ हो जाएगा 32 का आपका किसका, युक्ति की, 32 का आपका डी हो जाएगा। 33 है, तर्कशास्त्र है, तर्कशास्त्र कला है विज्ञान है कि कला और विज्ञान दोनों है, तो यहाँ हो जाएगा कला और विज्ञान, यहाँ न छूटा हुआ है कला और विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों है। 34 है, न्याय दर्शन में प्रमा के भेद हैं, तो यहाँ हो जाएगा चार भेद हैं। 35 है, ज्ञान के दो प्रमुख भेद हैं, तो प्रमा और अप्रमा दो भेद हैं। 36 है आपका, प्रयोगात्मक विधि को किस प्रकार की विधि कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं अनुसंधान की विधि। 37 है आपका, जैसे जैसे चाय में चीनी डाली जाती है वैसे वैसे मिठास बढ़ती जाती है, इसलिए चीनी मिठास का कारण है या किस विधि का उदाहरण है, तो यह है आपका सहचारी परिवर्तन विधि का। 37 का आपका डी हो जाएगा। 38 है आपका, कल्पना को साधारणता निम्नांकित किस सत्य के विरोध में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा पूर्व स्थापित। 39 है, प्राकल्पना की संपुष्टि का महत्वपूर्ण शर्त है, तो यहाँ हो जाएगा ए नंबर, उस अप्रत्याशित या नवीन निष्कर्षों के माध्यम से सत्यापित होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय परंपरा के अंतर्गत अनुमान के दोष को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं हेतवाभास, हेतवापूर्ण, हेतवाश्रुति, तीनों कहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो बच्चों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय।